अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो जी, ये खाना पकने लगा है, तो आज खाना में हम ये सालन बनाएंगे। इसको लोबिया कहते हैं आप लोग, हम कहते हैं चोलई के दाने, चोलई फली के। आलू के साथ बनाऊंगी, और टमाटर तो है नहीं अभी, तो मैं सोचें जब तक कि मसाला होगा आ जाएगा। ये देखें तेल गरम हो गया था, तो मैंने जीरा और ये तेज पत्ते डाल दिए थे, और फिर प्याज डाल दिया था, और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था, और मिर्चियाँ भी डाल दी थी। तो मसाला हो रहा है, और अभी सूखे मसाले डालेंगे। सूखे मसाले डालूंगी, टमाटर डालूंगी, और फिर हम इन दानों को डालेंगे, और आलू भी डालेंगे। और आलू भी कम ही है, अब मैं मार्केट जाऊंगी, क्योंकि घर में अब हरी सब्जी कुछ भी नहीं है। किट्टू भी काम कर रही है, किट्टू ये झाड़ू लगा रही है। बाहर मौसम का ऐसा है कि ठंडा ही है, कल तो पानी भी गिरा था, हवा बहुत चल रही है, ठंडा ही मौसम है। सूखे मसाले डाल देती हूँ। आज तो सब्जी वाले पता नहीं क्यों आए नहीं, काफ़ी टाइम हो गया, 10 ही बज रहा है, और सूखे मसाले डाल देती हूँ अपने अंदाज से। बहुत अच्छा सालन बनता है। मसाले में मैंने चोलई को थोड़ा पकाया है, क्योंकि ये कच्चा रह जाता है। अगर इसके साथ ही मैं आलू डालकर पकाती ना, तो आलू तो जल्दी पक जाते हैं, तो ये इसमें कसा रह जाती है। हालांकि इसको रात को भिगा दिया था, पर ये थोड़ी देर चला दे रही मसाले में, और अब सोच रही हूँ कि अब मैं इसमें आलू डाल देती हूँ, और एक सीटी लगा दूँगी, तो मेरा सालन बहुत अच्छा बन जाता है। एक सीटी में, एक सीटी लगा देती हूँ, फिर उसका प्रेशर भी खोल देती हूँ थोड़ी देर बाद, तो अच्छा सालन पक जाता है। मसाले की हम यहाँ अच्छी भुनाई कर लेते हैं, फिर बाद में कोई दिक्कत नहीं आती। फिर बाद में हम चाहे तो पानी डालना है, शोरबा कुछ भी करना है वो कर ले हम बाद में। तो बस अब इसमें मैं एक कप के करीब पानी डालूँगी, और सीटी लगा दूँगी। देखिए दोस्तों, सालन पक गया हमारा, और ये सूखा सूखा मैंने निकाल दिया बच्चों के टिफ़िन में रखने के लिए, और फिर पानी डाल दिया था थोड़ा सा। इसमें तो चटनी डाल ली है, इसमें डाल देते हैं। ये देखें 10 रुपये किलो प्याज, छोटी छोटी प्याज हैं 10 रुपये किलो। सानू लेकर आया अभी सामने से, कि तू यूनिफॉर्म पर प्रेस करे कि आ जा। हो गई पढ़ाई? हाँ बस हो गया। आज बेटा दोपहर का टाइम है, खाना वगैरह हो गया, बच्चे स्कूल चले गए हैं, और ये हम सफाई करने लगे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे सफाई नहीं की थी। तो ये यहाँ से सब डिब्बे उतारे, अभी इनको तो कल करूँगी साफ। ये सब उतारा है, ये देखें ये सब धुल चुके हैं, डिब्बों के अंदर डिब्बे हैं सब, वो छोटे डिब्बे हैं, यहाँ पर सब ढक्कन है डिब्बों के, इसमें ये सब पूरे बड़े ना छोटे एक के अंदर एक रखे हैं, इन सबको साफ़ कर लिया। इतने सारे बर्तन थे ये खाने पीने के,
इनको वॉश करके रखा है और ये सब सामान निकला रखा है, यहाँ भी इधर भी नीचे भी निकला रखा है, इधर डिब्बे खाली किए हैं। तो काफ़ी देर से लगी हुई हूँ, बच्चे स्कूल गए 12 बजे, तो 12 के टाइम से ही मैं लगी हुई हूँ और अब बज रहा है 4:45 बज रहा है। मैं नहा कर फ्री हो गई हूँ, तो अब सोचा है कि मैं आराम करूँगी, उसके बाद ही फिर ये डिब्बों में, ये जो खाली डिब्बे हैं सबको अपनी जगह पर रखना है। हालांकि ऊपर नहीं रखूँगी अभी, अभी तो ये सीट को भी निकालूंगी जो कि कल धोऊंगी इसको, तो सब डिब्बों में जो सामान है वो भर के अभी यहीं पर रखूँगी। सुबह से ही लगी हूँ काम में, तो मेरे तो पीठ भी दर्द कराई, और डिब्बे तो हमने बाहर ही धोए थे, ये डिब्बे यहाँ नहीं धुलते, डिब्बे तो बाहर ही धुलते हैं, डिब्बे को तो बाहर ही धोया था, यहीं पर वॉश किया था, यहीं खुली जगह में आराम से कर लेती हूँ, और यहाँ पर बोले थे बिछा कर सुखा लिया था, धूप में अभी भी 4 बज रहा था। सामने अब रमज़ान भी आ रहा है, 2 दिन हो गए थे सफाई नहीं हुई थी, हालांकि कलर वगैरह तो अभी कुछ हो नहीं रहा मेरे घर में, तो बस थोड़ा ऐसा साफ करके ये सीट वगैरह निकालना, सफाई ज़्यादा इतना तो कर सकती हूँ, बाकी कलर पेंट का तो महंगा मामला है, कलर पेंट का तो खैर तो वो तो नहीं कर रहे हैं अभी।